अरे हम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो में दोस्तों बना रहे हैं शिव पार्वती, जो कि आधे मूर्ति के साथ अभी स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण दो पार्ट में भाग कर लिए थे। और मित्र वो पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। टाइटल में क्लिक करके कुछ इस प्रकार इतने में छोड़ दिए थे। दोस्तों अभी बना रहे हैं पार्वती माता की बेस। इस प्रकार से मिट्टी ले लेंगे, मतलब गोल शेप में, और उसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से ले जाएंगे। दोस्तों थोड़ा थोड़ा जहाँ पे ज़रूरत है मिट्टी वहाँ पे ऐड कर देंगे, और जहाँ से निकाल मतलब मिट्टी निकलना है वहाँ से निकाल लेंगे टूल की मदद से। अभी तो हम बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए हाथ के साथ बना रहे हैं। जब डिटेल्स करना है तो मतलब डिटेलिंग करना है तो टूल की मदद से करेंगे। चलिए इसी प्रकार से बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों यदि आप घर पे कुछ इस प्रकार का मूर्ति बना रहे हैं तो दोस्तों जरूर देखते रहिएगा कैसे मैं पार्वती माता की फेस को डिटेलिंग मतलब आँख में कान बना रहा हूँ। धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से बना देंगे। पार्वती माता के फेस को बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से वहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करके, और साइड में जो कि कान बालियाँ और बाल को कुछ इस प्रकार से टूल की मदद से बना देंगे, और साइड साइड में बाल भी बना लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों महादेव की फेस को भी बना लेंगे। और एक बार दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी प्रकार की मिट्टी की मूर्ति देखने के लिए। तो चलिए इसी प्रकार से बने रहिएगा, मैं मिलता हूँ आप लोगों को वीडियो के अंत में। Thank you.
दोस्तों अभी छोटा सा गणेश भगवान की गोल्ड को बना रहे हैं, उसी को बना देने के बाद दोस्तों हमारी मूर्ति जो है कंप्लीट हो चुकी है पूरी। ये देख सकते हो फाइनल लुक। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।